छपरी, जिसको देख के दिमाग का भूसड़ा हो जाए वो छपरी, जो चूहे के लेंस से अपना दांत साफ कर ले वो छपरी, जो चूहे की केटीएम में पेट्रोल भराने के लिए अपनी गांड दे दे वो छपरी, जो अपने टी शर्ट पर विमल थूक के अपने आप को हीरो का चोदा समझने लगे वो छपरी, जो गुटखा खा के अपने जेब में थूके अपने बालों में लगाने के लिए वो छपरी, जो ये समझे प्यार मोहब्बत धोखा है गांड मार लो यही मौका है। वैसे छपरी हो गए तो बहुत टाइप होते हैं, लेकिन उनकी माँ का भोसड़ा, क्योंकि मुझे कौन सा उनके ऊपर टी डायग्राम बनाना है। और तुम छपरी लोग बहन चुत, कौन सा काला जादू आता है तुम्हें? 10th में जस्ट पास होने के बाद भी, वो भी लॉकडाउन में, तुम लोग को बाइक मिलता है, और मैं बहन चुत 12th पास होने के बाद तो मुझे फ़ोन मिला है। प्लीज़ बता दो, क्या ये गुटके का जादू है कि ये तुम्हारे हमें छपरी हमें छपरी हमें छपरी हमें छपरी चमकीली मुर्गे जैसे बालों, और ये भोसड़ी वालों के लिए सरोजनी नगर कोई कोठे से कम नहीं है। बहनचोद हर दूसरे दिन 50 रुपये लेके पहुंच जाते हैं नया टी शर्ट लेने के लिए, वो बात अलग है, गुची के जगह पे रुचि नहीं तो चूची लिखा रहेगा, लेकिन ये उसे ब्रांडेड ही समझते हैं, सॉरी ब्रांडेड नहीं ब्रांडेड समझते हैं भोसड़ी वाले, और वो टी शर्ट पर गुटखा थूक के ये उसको लोगो समझते हैं, गांड दे के पेट्रोल भराएंगे लेकिन अपने आप को अंबानी के लौंडे से कम नहीं समझेंगे। ये भोसड़ी वालों को एटीट्यूड की स्पेलिंग नहीं आती है, लेकिन ये बहनचोद एटीट्यूड का मतलब तो ये समझते हैं कि गांड ले लो लेकिन फुल इज्जत में। और बहनचोद कौन सा फैशन डिजाइनर तुम लोग को सिखा रहा है कि अपनी आधी पैंट अपनी गांड में डाल लो, उससे अच्छा छोटा पैंट भोसड़ी वालों दिमाग लगा बच्चों का पैंट ले लो ना फिर। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझसे शादी करोगे? मैं किसी और का हूँ फिलहाल। और टैटू, टैटू के नाम पे ये बेटी चुत अपनी बियर की बोतल लेके अपने हाथ काटते फिर रहे। मैंने देखा, मैं पूछा भाई क्या कर रहा है, बोलता है स्वैग है भाई, मैं बोला ठीक है मैं हेल्प करता हूँ तेरी। हाँ, हाथ के साथ नस भी काट दिया, इससे अच्छा तो तू स्टेशन पे जाके शक्तिमान का पोज देके टैटू ही बना लेता था, लेकिन नहीं, तब ये बेटी चुत चूती कहाँ से साबित होंगे। इनको घर में रखने वाले ये सब कैसे सह लेते हैं? इनको पता होता है कि लौंडा हाथ से गया। हाँ, ये गुटके के डायहार्ड फैन है, नसों में इनके गुटका दौड़ता है, और ये संजय दत्त अजय देवगन। क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ, अमूल माचो पहन के नाचो। अच्छा ना तू बॉम्बे, हम आसे मिलाना है, खाना खिलाना है, बर्तन धुलाना है, कपड़े धुलाना है, गांजा बनवाना है, सॉरी मेरा मतलब टकला बनाना है। ए नागपुर में आओ, इसका कर रहा था, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। ये अजय देवगन के भी डायहार्ड फैन है, ये उनके नाम पे छाती पे टैटू बनाते फिर रहे हैं। बेटी चुत कैप्शन भी लिखा रहे हैं, बोलो जुबान केसरी। दिन में कितनी बार हिलाता है ब्रो, ऐसा कुछ नकी नहीं कर रखा कि कितनी बार हिलाना है, कभी 2 बार कभी 3 बार, आज तो 4 बार हो गया है। बोलो जुबान केसरी। हाँ माज कर दी वाह बेटे वाह। और हाँ, I can feel your smile come on my lips and happiness in your